Hello, my beautiful people. This is me, Pratima Chauhan, and welcome to my channel. Hope you all are doing great. I'm also doing well. So, सुबह के बजने वाले हैं 10:30. Yes. और मैं हर रोज की तरह रेडी हो गई हूँ, जो कि मेरा सेम शेड्यूल है. और मैं थक चुकी हूँ आपको बताते बताते, बट बताना पड़ता है. और बाहर है बहुत ही धूप, इसलिए मैंने पहना है कुर्ता, और विच इज़ वेरी कम्फर्टेबल, जो कि मुझे काम करने में बहुत सहायता करेगा, वरना जीन और पजामा जो भी होता है उसमें बहुत प्रॉब्लम आता है काम करने में. सो यह अब चलते हैं, फिर मिलते हैं कैफे में. सो मैं पहुंच गई हूँ. आज थोड़ा साफ है. आज मैंने क्या करा, रात का अंदर का कूड़ा भी नहीं निकाला, और जो ग्रीन ग्रीन था नहीं, मैंने ऐसे ही रख दी फोल्ड करके, क्योंकि इस पर गाय सो जाती, पूरी ख़राब कर दी. गाइस, मैं जा रही हूँ आकांक्षा और शाली के ऑफिस आज. ब्यूटीफुल, व्लॉग कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ. पक्का? इनका ऑफिस तो बड़ा प्रीटी है. हेलो, हाय शैली, हाय शा, अक्षा, हाय. ये मेरा कैबिन है. कौन सा? ये मेरा कैबिन है. ये आकांक्षा का कैबिन है. यो तो मैसी है. नहीं, इट्स नॉट मैसी, इट्स नॉट मैसी एट ऑल. यो तो ऑफिस कूल है. वाओ, नाइस नाइस नाइस. ये तुम्हारे बॉस के सर तो नहीं आए? अच्छा, ब्यूटीफुल. खोलो, क्या नाम है इनका इस ऑफिस का? ऑफिस का ग्लो बॉस्टन. क्या? ग्लो बॉस्टन, ग्लो बॉस्टन कंसल्टेंट्स. ओके, तो जो वीजा लगाना चाहते हैं वो आ सकते हैं यहाँ पे. हाय, नाइस नाइस नाइस, ब्यूटीफुल. सुंदर है यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना सुंदर होएगा. अच्छा, ये इनका ऑफिस है, ग्लो बॉस्टन. ग्लो बॉस्टन, यहाँ पे मैं गिर गई थी. धूप है, मौसम देखना बाद. गुनू बना रही है लंच, और लंच में बन रहा है न्यूट्री और आलू. और मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास, फिर आती हूँ. अभी डॉक्टर के पास से मैं फ्री हो गई थी, अब मैं जा रही हूँ विशाल कुछ सामान लाना कैफे के लिए. तो मैंने सोचा चली जाती हूँ. और यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है, ना ठंड है, बहुत अच्छा वेदर हो रखा है. हमारी जो ट्रे है ना कैफ़े की, वो गुम गई है, कोई कस्टमर गाड़ी में लेके चला गया, तो बहुत प्रॉब्लम आ रहा था सर्व करने में. मैंने सिर्फ ये ट्रे ली, और दो चाय छन्ने ली, और थोड़ी सी दालें वगैरह ली. प्लास्टिक की जो ट्रे है वो मुझे मिली नहीं, तो मैं यही लेके जा रही हूँ. अब हम जाते हैं घर, घर में कैफे. दिन के बजने वाले हैं 3, मैं घर आ गई हूँ. सामान लेके मैं कैफे गई, उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा लंच किया मैंने, और वहाँ पे थोड़ा क्राउड हो गया था, तो फिर वो सारा निपटा है मैंने गुन्नू ने. तो अभी मैं घर आ गई हूँ, और घर पे अब खाना तो मैं नहीं खाऊंगी, तो काम है बहुत सारे मेरे पास करने को, वो फिनिश कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर शाम के टाइम जाऊँगी कैफे. तो अपना काम फटाफट से कर लेते हैं फिनिश. आजकल ना अंधेरा अंधेरा लग जाता है रूम में, देखना. और ये मैं टब लेके आई थी, बिकॉज कपड़े धोने के लिए बकेट में प्रॉब्लम रहता, तो मैं टब लेके आई थी अभी मार्केट से. शाम के बजने वाले हैं 6, और मैं थोड़ी देर सो गई थी, ज़्यादा नींद नहीं आई, बट थोड़ी जितनी भी आई 15-20 मिनट अच्छी आई. और अभी मैंने बना दी है ब्लैक कॉफ़ी, थोड़ी फ्रेश हो जाऊँगी इसको पी के मैं,
फिर जाती हूँ मैं कैफे. गुन्नू ने वैसे बोला कि आराम से आई हूँ, बट मुझे ना एक मन होता ना कि आपको पता है कैफे में है, मतलब वो अच्छे से आप मैनेज कर लेगा, बट आपको ऐसा लगता कि नहीं नहीं यार चली जा चली जा. तो मेरा मन ऐसा है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता कि नहीं नहीं जाना चाहिए जाना चाहिए, तो इसलिए चले जाती हूँ कैफे. और इस टाइम वैसे क्राउड भी नहीं होता, 7 बजे के बाद क्राउड होता है 9 इतने बजे तक. सो कॉफ़ी पीती फिर जाती हूँ. राइस ख़त्म हो गए थे कैफे में तो मैं राइस लेने जा रही हूँ. राइस ले रही हूँ. चार बताइएगा. आई थिंक मेरा और शैली का ये दूसरा चक्कर, हम बहुत बोर हो रहे हैं. तुम चक्कर मार रहे हैं मार्केट में. हाँ गेड़ी मार रहे हैं हम, वहाँ से वहाँ तक फिर जाएंगे वापस कैफे, है ना. हाँ यही कर सकते हैं. आओ यार प्लीज आओ, विजिट करो, बातें करो हमारे साथ, बातें चित्त करो. तुमने करनी बड़ी बात है, अगर कोई आएगा. हाँ मैं तो नहीं करती, लेकिन ये जरूर कर लेंगे. मैं सुनूंगी. मैं आप मैं और शैली जा रहे हैं मोची, जहाँ पे हमारे फैमिली मोच आ सकते थे. कलेक्शन विंटर्स के लिए. हेलो हेलो, अच्छा लग रहा है, देख रहे भैया अच्छा लग रहा है ना. H&M. मैं और शैली आगे विंडो शॉपिंग करके पहली बार वनम ले लेते. वैसे हमें एक शू पसंद आया था, बट वो शू हमने लिया नहीं, बहुत एक्सपेंसिव था. हमने सोचा पैसे नहीं फूंकते, चुपचाप चलते हैं. हमने सोचा कि हम सोच के हैं कि विंडो शॉपिंग करेंगे तो वही करके जाते हैं वापस. वरना हम ऐसा होता नहीं है कि हम शॉप में गए और कुछ लेके ना आए. सही में मेरे साथ तो ये होता है कि मैं दूसरे के साथ जाती हूँ, वो लेता नहीं, मैं लेके लेता हूँ. सही में ऐसे करती हूँ. चिंक्स ने बनाए मेरे लिए. हाँ जी बढ़िया. आओ लड़कियों खाओ खाओ, लड़कियों खाओ. हाय मेरे को गाना लगा पाड़ी लगा है. मैं और शैली आए पिज्जा वेस्ट लेने. कितने से 41 ना, कितने के? ठीक है थैंक यू. ये हमारा 5वां 6वां चक्कर है मैं और शैली, क्योंकि शैली आज यहीं पे आकांक्षा के पास रुक रही है, इसलिए कल मैं इनके पास रुकूंगी. हाँ कल मेरे पास रुकेगी, बट मुझे लग रहा है कल रात के बज गए पुराने राम. कल आप कहाँ जा रहे हो? कल हम जा रहे हैं बता दे, वृंदावन जा रही है कल गुन्नू. कल हम जा रहे हैं अपने कान्हा जी के पास. और ये देखो कन्या भी बैठी है यहाँ पे. 10:30 हो गए हैं, मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए हैं और भैया यहाँ पे बना रहे हैं साग में तड़का लगा रहे हैं ना भैया. और भैया ठंड आजकल भैया बाहर निकलते नहीं, बिकॉज जो किचन है वो बहुत कोजी रहती है और बाहर बहुत ठंड है ना भैया. अब आपके मज़े हैं ना, आपके मज़े अब. और बाकी बर्तन मैंने धो लिए हैं, सारे धो लिए. कुछ कुछ बर्तन रहते हैं वो मैं बाद में धोऊंगी. हेलो गाइस, सो रात के बजने वाले हैं 11:30 और मैं अब कैफ़े क्लोज करने वाली हूँ, बिकॉज़ गुन्नू चली गई है. एक्चुअली गुन्नू को जाना है कल वृंदावन एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैंने उसको कभी घूमते हुए ऐसे देखा नहीं, हमेशा ऑफिस ऑफिस, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि वो वृंदावन जा रही है. सो आई एम रियली हैप्पी. तो वो 3-4 दिन के लिए जा रही है और वो कल जाएगी, दिन को कल वो कैफ़े आएगी. सो वो कह रही थी कि मैं रुक जाती हूँ, तो वो चली गई है क्योंकि उसने पैकिंग करनी है. सो अब मैं भी बस जाने लगी हूँ घर. और मेरे साथ मैं अकेली नहीं, यहाँ पे कालू है बेचारा सा, देखना मेरा वेट कर रहा है. सो मैंने ऑलमोस्ट सारा कुछ काम कर लिया है. सो अब मैं जाती हूँ घर. कालू बिच्चू बेचारा सा देखना कैसे बैठा हुआ. तो मैंने भी सारी सफाई वगैरह झाड़ू वगैरह लगा लिया है सारा यहाँ पे. अब मैं भी बस घर जाने लगी हूँ. मैं घर पहुंच गई हूँ बहुत जल्दी. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है कपड़े धोने. यार आप लोग बोलते हो कि इतने कपड़े क्यों धो दो, इतनी सफाई क्यों करती हो, बट पता क्या होता है ना,
काम करते हुए कैफे में कपड़े जो है खराब हो ही जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम वहां पे बैठ जाते हैं आराम से, है ना, काम तो करना ही होता है, झाड़ू पोछा बर्तन हम सब कुछ खुद करते हैं। सो कपड़े खराब हो जाते हैं, शूज खराब हो जाते हैं, तो मेरी आदत नहीं है कि मैं कपड़े कल के लिए रखूं, मैं साथ साथ वॉश कर लेती हूँ। बहुत कम चांसेस होते हैं कि मैं आज के कपड़े कल के लिए वॉश करने के रखूं, तो फिर मैं धो ही लेती हूँ साथ के साथ। सो अभी तो मैं कपड़े वॉश करूंगी, नहाऊंगी आराम से, उसके बाद चिल करूंगी और फिर आज जल्दी सो जाऊंगी और बस यही है। सो रात के बजने वाले 12:30, पहले मैं सोच रही थी कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैंने सिर्फ लंच करा था कैफे में और उसके बाद फिर अभी मैंने दूध उबाल दिया है, बट मैंने थोड़े से फ्राइड राइस बनाए वो खा लिए। अब बर्तन धो रही हूँ, आधे से ज्यादा धो लिए, थोड़े से रह गए, और सुबह के लिए मैंने चॉपिंग कर ली है। कल मैं काफी टाइम के बाद पोहा खाऊंगी ब्रेकफास्ट में, जो कि मैं पता कब खाया करती थी, जब मैं ऑफिस जाती थी। और कपड़े मैंने धो लिए हैं, बस बर्तन धोने को रह गए, बर्तन धो के फिर करूंगी ऑयलिंग। सो मैं फ्री हो गई हूँ और अब मुझे ऑयलिंग करनी है, फिर मुझे सो जाना है। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पेंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, बाय।